वे मैं कम नहीं आया वे तेरी चीये सरकार मैं डिजर्ट। क्या बात है भाई, आपने बहनोई को चाय पर बुलाना था गवारा नहीं समझा तुमने? माड़ी का अकलौता दामाद हूं, इतना बुरा सलूक जानते हो? सहरा बांध कर आया था इस हवेली, और उस वक्त भाई जी कहते तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, पर आज पहले तुम माड़ी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं किया करते थे मलिक जावेद। खिजर तुम शायद ये बात भूल गए, उस वक्त मैं माड़ी का दामाद नहीं था, लेकिन अब माड़ी की ऊंच नीच से मुझे फर्क पड़ता है। मैं जो कुछ भी बोलता हूं माड़ी का दामाद होने की हैसियत से बोलता हूं। क्या मैंने कभी हवेली मुरादा के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है? बोलो। मैंने आज तक कभी हवेली मुराद के मामलात में दखल अंदाजी नहीं, और बेहतर यह होगा कि तुम भी खुद को माड़ी से दूर रखो। बागबरी जी। मलिक सर, क्या हाल है मरीज का? मलिक सर, गोली बादशाहों के सेज पे हो तो कैसी हो? वो समझदार है बागबरी, चल जा फिर। हाजिर कर उसे, चाय पीने का मजा तो आए। जो बात सुन, चाय गरम
इतनी ठंडी ना हो जाए। समझ गई। दिया दूर से आए हैं। जी सरकार, सबको खिला पिला दिया। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकती, बल्कि अपनी हर बात कर सकती। हम दर्द हूं मैं तुम्हारा खैर ख्वाह। मतलब सर, इस माड़ी में आपसे ज्यादा खैर खाएं खैर खाओं के मामले में बड़ी खुश नसीब है। जहां पैर रखती है खैर खान कला। आप अपना वक्त जाया ना करें, बात हो गई इस मजलूम की दिलजोई, बस करें। सरकार साहब नाश्ते पे आपका इंतजार कर। चाचा सरकार, अच्छा बहुत अच्छा। सरकार वो खैर तो है, कौन सी आफत आ गई जो बावली गाय की तरह भागे फिर रही है? कुत्ते तो नहीं लगे पीछे तेरे? जी वो सुल्तान सरकार आ गए। कहाँ है? जी नीचे अपने कमरे में गए। खेसर को बता दो। चाचा सरकार आ गए हैं, मैं नीचे जा रही हूं, आप भी जल्दी से आ जाएं। चलो। भाई जी कहाँ है? जी वो जुलेखा बीबी के सराहने बैठे, उनकी खिदमत कर रहे हैं। कहा भी था कि दफा मारे उस बेहया को, मगर लगता है कोई चांद चढ़ा कर ही रहेंगे भाई जी। चलो। अंधेरा है निरा अंधेरा। अब क्या हो गया बागा, फिर कोई पटाखा बजा क्या? नहीं, जिस वक्त मैं आई उस वक्त तो सारी खैर सला थी, ऐसा क्या हो गया भागा जो तेरी सांस चढ़ गई? अब मुझसे बातें ना करो, अपना अपना काम करो बस। बताना मासी क्या हुआ, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अब बता भी दे तुझे रब का वास्ता। वो बता भी दे माड़ी की बीबी सी, अब कोई ताजी खबर निकाल भी दे। ये मलिक जवेद है ना, जुलेखा से निकाह करके ही रहेगा। और आते ही उसके गोड़े से लग के बैठ गया। हाँ है, ये क्या कह रही है भागा? चंदन बीबी अब क्या करेगी? ओ मुझे क्या पता क्या करेगी, पराठा डाल के देगी।
अंधेरे अंधेरे। कब आए? जी मैं कल शाम को आ गया। लेकिन वो आपकी गैर मौजूदगी में जो कुछ देखा वो बता देना जावेद भाई, शर्मा क्यों रहे हैं? दरअसल चाचा सरकार, इन्हें आपके बगैर माड़ी बहुत सोनी लग रही थी। कह रहे थे कि बस मैं वापस जाने लगा हूं, चाचा सरकार के बगैर यहां मेरा दिल नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से रोका है इन्हें। चाहता है मुझे, ये जानता हूं। जन्नत को ले आप। चाचा सरकार वो टोपी सरकार की वजह से रुक गई है, आना तो चाह रही थी लेकिन नहीं। भिजवा दो अब हमारी बहन को यहां वापस, माड़ी में दिल नहीं लगता उसके बाहर। जी चाचा सरकार जरूर। कहां है वो लड़की? आप अंदर आ जाइए। कब जा रहे हो तुम यहां से? जी मैंने पूछा है, जान कब छोड़ रहे हो तुम हमारी? आंटी जान बाहर मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, चलें? पहले इस बिन बुलाए मेहमान से तो निमट लूं, फिर देखती हूं दूसरों। तू सच कह रही है राग? भला आपसे झूठ बोलूंगी? जान बस ऐसे मुझे लगता है कि चाचा सरकार को पता चल गया। अब तो वो सिर्फ लड़की को देखकर
तस्दीक करना चाहते हैं। ऐसा तो ना कहें भाई जी, भला उन्हें कैसे चल सकता है पता? माड़ी की दीवारें तो बोलकर बताने से रही ना उन्हें। दीवारों ने नहीं, इसके अंदाज ने बताया होगा उन्हें।